कोठी का मालिक कहाँ है? हाँ मैडम, क्या काम है आपको, मालिक से बताइए। अबे ओ, तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला? हाँ तेरी इतनी औकात भी है कि मैं तुझे बताऊँ कि मुझे इस कोठी के मालिक से क्या काम है? हाँ अरे मैडम, आप तो खामा खा गुस्सा हो गए। आप मुझे बता दीजिए ना, आपको क्या काम है मालिक से? जैसे ही वो आएंगे मैं बता दूंगा उनको कि आप आए थे। तो बहरा बहरा है क्या? एक बार मैं समझ में नहीं आता, मुझे तुझसे काम नहीं है, इस कोठी के मालिक से काम है, तो मैं तुझे क्यों बताऊं कि मुझे उनसे क्या काम है? हाँ कुर्ता पजामा पहनकर अपने आप को नवाब समझ रहा है, लगा रहा है झाड़ू, और एटीट्यूड देखो चौधरियों वाला है। चुपचाप से मालिक को बुला अपने, समझा? अरे मैडम, अरे वो गवार, तू सुनना चाहता है ना कि क्या काम है इसे? जो इस कोठी का मालिक है ना, उससे शादी होने वाली है इसकी। ओह तो ये बात है। मैडम आपका नाम सना है क्या? हाँ, लेकिन तुझे कैसे पता कि मेरा नाम सना है? अबे ओ गवार, दांत क्यों फाड़ रहा है? तुझसे जो पूछा है ना वो बता, तुझे इसका नाम कैसे पता चला? अच्छा अच्छा अच्छा, रुक जा, मुझे लगता है ना इसने मेरा नाम सुन लिया होगा जब पापा इस कोठी के मालिक से मेरे बारे में बात कर रहे होंगे तब। अरे मैडम, मेरे को किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं है, और आप मेरे को यहाँ का सफाई कर्मचारी समझ रहे हो ना? मैं यहाँ का सफाई कर्मचारी नहीं हूँ। ओहो, तो तू यहाँ पर अगर सफाई कर्मचारी नहीं है तो क्या तू यहाँ का सरपंच है? पागल वागल है क्या? और तूने मुझसे झूठ कैसे बोला कि तू यहाँ का सफाई कर्मचारी है? तू रुक, तेरे मालिक को आने दे, चार पांच जूते पड़ेंगे ना अच्छे से तुझे, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। मैडम आप ना थोड़ा तमीज में बात कीजिए, आप ना अपनी हद पार कर रहे हो। अबे ओ गवार, तुझसे क्या ही तमीज में बात करे, तू है ही सुनने लायक, बदतमीज कहीं का। अरे आप दोनों तो बहुत ज्यादा बदतमीज हो। आपको पता है हमारे मालिक ना आप जैसे लोगों से बात करना पसंद नहीं करते। अरे बात करना तो छोड़ो, आप जैसे लोगों की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे वो। अबे ओ दो कौड़े के इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बदतमीज कहेगा? अबे ओ, तुझे तो अभी तेरी औकात याद है। ना 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 मैडम ना, ये हाथ उठाने की हिम्मत मत करना, गलती से भी हाथ मत उठा देना मेरे ऊपर। अच्छा तो तूने मुझे छुआ, तेरी इतनी हिम्मत हो गई? तू रुक, तुझे तो मैं अब अच्छे से सबक सिखाऊंगी। पुलिस को कॉल करती हूँ, जब तेरे को डंडे पड़ेंगे ना अच्छे से, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। अरे छोड़ यार, तू भी किस दो कोड़े के इंसान से मुंह लगा रही है? इससे मुंह लगा के ना हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तू एक काम कर, तू ना सीधा मालिक को कॉल कर इस कोठी के। सही कह रहा है यार, चल चलते हैं। हेलो। हाँ। अरे मैं कोठी पर आई हुई हूँ तुम्हारी, तुम कहो? अरे मैं तो कोठी पर ही खड़ा हूँ। लेकिन मुझे तो तुम दिखाई नहीं दे कोठी पर हो तुम। अपने पीछे देखो। पीछे? तो इसका मतलब आप ही हो नितिन पाल जिससे मेरे पापा ने शादी की बात की थी? हाँ मैं वही नितिन पाल हूँ जिससे तुम्हारे पापा ने शादी के लिए बात की थी, वो इस कोठी का मालिक, ये कोठी मेरी है। क्या? तो आप ही इस कोठी के मालिक हैं? तो आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हारी सच्चाई कैसे पता चलती? अगर मैं तुम्हें पहले बता देता कि मैं इस कोठी का सफाई कर्मचारी मालिक हूँ, मुझे कैसे पता चलता कि तुम मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती हो? अब सब कुछ क्लियर हो गया है, तुम मेरे से नहीं मेरे पैसों को देख के यहाँ पर आई हो। नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हैं, मेरे नजरों में पैसों की कोई अहमियत नहीं है, मैं तो इंसान को अहमियत देती हूँ। अहमियत? अरे अहमियत की बात कौन कर रहा है, तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लग रही। अरे जिस लड़की को बात करने की तमीज नहीं है वो क्या आगे जाके घर चलाएगी? एक अच्छी लड़की वो ही होती है जो छोटों से बड़ों से सबसे तमीज से बात करे। एक बात तो तय है, मैं तुम्हारी जैसी लड़की से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता चल गया तुम मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती हो और पैसा देखकर यहाँ पर आए हो। जैसे तुम्हें पता चला मैं इस कोठी का सफाई कर्मचारी मालिक हूँ तो देखो तुम्हारी टोन कैसे हुई, तू से सीधा आप पर आ गई। नहीं नहीं मैं तुम जैसी लड़की से शादी बिल्कुल नहीं कर सकता, और तुम्हें पता है मैं तो यहाँ पर आ भी नहीं रहा, मेरे घर वालों ने फोर्स करके भेजा है कि जा लड़की अच्छी खासे घर से है, अच्छी खासी संस्कारी है, उनके बाद मैं उनके कहने पर यहाँ पर आया। पर यहाँ आकर जब मैंने तुम्हें देखा मुझे तुम्हारी सारी असलियत चल गई, तुम कैसे संस्कारी हो, तुम किसी इंसान से प्यार नहीं करती हो उसके पैसों से प्यार करती हो, और पैसे को देख के तुम रंग बदलती हो। कल को मेरा बुरा वक्त आ गया तो तुम तो मुझे छोड़ के चली जाओगी किसी ऐसे के पास जिसके पास में पैसा ज्यादा है। नहीं नहीं तुम्हारी मैं शक्ल भी देखने नहीं चाहता, शादी तो दूर की बात, निकल जाओ मेरे घर से। देखिए आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा आपको लग रहा है, मैं बहुत ही अच्छी लड़की हूँ,
ये जो कुछ भी अभी हुआ ये बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आप प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। मुझे एक और मौका देकर देखो। मैं सच में बहुत अच्छी हूँ। और शादी हो जाने दो, उसके बाद देखना ना कि मैं कितनी अच्छी हूँ। मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी और तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। ये बहुत अच्छी है। और जो भी हुआ ना, ये अनजाने में हुआ है। और आपकी एक बार इससे शादी हो जाएगी ना, तो उसके बाद आपको खुश रखेगी। अरे बस बस, बंद करो तुम दोनों अपनी बकवास। क्योंकि जो मुझे देखना था और जो मुझे समझना था, वो मैं सब कुछ समझ गया हूँ और देख भी लिया अपनी आंखों से कैसे पैसे देख के तुम दोनों के हाव भाव बदल गए। मुझे तुम जैसे लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी। मैं समझ चुका हूँ तुम किस टाइप के लोग हो। निकलो मेरे घर से, निकलो।